दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज मैं आपसे एक बड़े जरूरी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या वास्तु की किताबें पढ़ के वास्तुशास्त्री बना जा सकता है, क्या वास्तु की किताबें पढ़ के वास्तु पंडित या वास्तुकार बना जा सकता है, क्या 100, 150, 300, 400 पेज की किताब पढ़कर कोई वास्तुशास्त्र में पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। इस बात का उत्तर देने से पहले आपको कुछ चीजें विस्तार से समझाता हूं। 1972 से पहले कोई भी व्यक्ति जो नक्शे बनाने का काम करता था, नक्शानुवीस होता था या सिविल इंजीनियर होता था, ड्राफ्ट्समैन होता था, वो अपने आप को वास्तुकार या आर्किटेक्ट कह देता था और तकरीबन सभी लोग मान के चलते थे कि अगर मेरे को भवन का डिजाइन तैयार कराना है, नक्शा तैयार कराना है, प्लान तैयार करवाना है तो मैं इस व्यक्ति के पास जाऊंगा और म्यूनसिपैलिटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज उनको नक्शे पास कराने के लिए, नक्शे जमा कराने के लिए लाइसेंस दे देते थे। 1972 में संसद द्वारा आर्किटेक्ट्स एक्ट पास किया गया, पूरे विस्तार से सभी पहलुओं का विश्लेषण किया गया और जो भी लोगों की आपत्तियां थी, जो लोगों के सुझाव थे, उन सबको इनकॉर्पोरेट करके 1972 में आर्किटेक्ट्स एक्ट लागू हुआ, पास हुआ, 1975 में लागू हुआ। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि किन व्यक्तियों को आर्किटेक्ट का टाइटल प्रदान किया जाएगा, क्या उसके लिए शैक्षिक अर्हताएं होंगी, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होंगी जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को आर्किटेक्ट का टाइटल प्रदान किया जाएगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन किया गया, उसे पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि नए आर्किटेक्ट्स का वो रजिस्ट्रेशन करे, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करे, उनकी शैक्षिक अर्हताओं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जांच पड़ताल करे और उनसे नियमित रूप से सालाना फीस लेकर आर्किटेक्ट के रजिस्टर में उनका नाम लिखे और उसको जारी रखे। आर्किटेक्ट टाइटल का हिंदी अनुवाद गजट के अनुसार वास्तुकार किया गया और आर्किटेक्ट को पढ़ाने वाली आर्किटेक्चर की शिक्षा को वास्तुकला कहा गया या वास्तुशिल्प कहा गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को वास्तुकार कहता है या वास्तुशिल्प शास्त्री कहता है या वास्तुशास्त्री कहता है तो वो एक तरीके से आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज कर रहा है। भारत के संविधान के अनुसार बनाए गए एक्ट की अवहेलना कर रहा है। बाजार में वास्तु की ढेरों किताबें भरी पड़ी हैं, तकरीबन हर पब्लिशर ने किताब छापी है, उसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों को तरह तरह से बताया गया है, पंच तत्वों की व्याख्या की गई है, किस प्रकार से दिशाओं का ख्याल रखना है, सूर्य के उगने की दिशा का ख्याल रखना है, मैग्नेटिज्म का ख्याल रखना है, धरती की चुंबकीय शक्ति का ख्याल रखना है, भवन में अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, इस तरह की चीजों का ख्याल रखना है, कहाँ खुली जगह छोड़नी है, कहाँ मोटी दीवारें बनानी है, कहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, कहाँ कमरों में रहने की व्यवस्था करनी है, इत्यादि इत्यादि बातों का उल्लेख किया गया। जब तक आर्किटेक्ट एक्ट नहीं था, सैकड़ों हजारों सालों से भारतीय वास्तुकला के हिसाब से भवन निर्माण होते रहे और वो इमारतें 200 साल, 400 साल, 600 साल तक आज भी सलामत हैं, खड़ी हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब भवन निर्माण तकनीक में पूरा बदलाव हो चुका है, जब आरसीसी का इन्वेंशन हो चुका है,
स्टील स्ट्रक्चर में तरह तरह की परिकल्पनाएं धरती पर उभर कर सामने आ रही हैं। केबल स्ट्रक्चर में तरह तरह की पुलों का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सैकड़ों साल पुरानी वास्तुकला पे निर्भर रहना एक बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। ये बात सही है कि वास्तुशास्त्र में जिन सिद्धांतों को बताया गया था उनके अनुसार भवन निर्माण किए गए, उन सिद्धांतों में से अधिकतर आज भी शाश्वत हैं, आज भी वो सही हैं, आज भी वो सत्य हैं। वास्तुशास्त्र में भूमि के परीक्षण के बहुत से सिद्धांत बताए गए हैं, जिसको हम सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं, ओरिएंटेशन के बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। मनुष्य के रहने सहने के तरीके के अनुसार कौन से कमरे किन दिशा में होंगे उसके सिद्धांत बताए गए, और आर्किटेक्चर में भी इन सारी बातों का, आर्किटेक्चर की पढ़ाई में इन सारी बातों का पूरा विस्तार से प्रशिक्षण और शिक्षण दिया जाता है। आज वास्तुशास्त्र के भी देश में सरकारी संस्थानों में भी कई जगह डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं कि कहां कहां कौन से सरकारी संस्थान में वास्तुशास्त्र के एक साल या दो साल के डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो फिर ये जो तथाकथित वास्तुशास्त्री हैं, ये अपने आप को अगर वास्तुकार कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं, वास्तु पंडित कहते हैं, आर्किटेक्ट एक्ट में बात की गई है यूज ऑफ द टाइटल ऑफ आर्किटेक्ट एंड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। यानी अगर कोई ऐसा आभास देता है अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में कि वो वास्तुकार है या वास्तु के स्टाइल से उसका कुछ लेना देना है, स्टाइल ऑफ वास्तु या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट शब्द से अगर इसका कुछ लेना देना है, तो वो अगर काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है तो एक प्रकार का कानून का उल्लंघन कर रहा है। मेरा वीडियो का टाइटल था क्या वास्तु शास्त्र किताबों द्वारा पढ़ा जा सकता है, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे कहा जाए क्या डॉक्टरी की पढ़ाई किताबों द्वारा की जा सकती है, या वकील किताबों द्वारा बना जा सकता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किताबों द्वारा बना जा सकता है, या साइंटिस्ट किताबों द्वारा बना जा सकता है, बना जा सकता है। हर कोर्स में किताबें ही पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ किताबों द्वारा ही डॉक्टर नहीं बना जा सकता, किताबों द्वारा ही इंजीनियर नहीं बना जा सकता। किताबें सिर्फ माध्यम है, और किताबें उन शिक्षण संस्थानों में सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाई जाती हैं जहाँ पर इन कोर्सेज की शिक्षा दी जाती है, चाहे डॉक्टरी का कोर्स हो, चाहे वो डॉक्टरी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, MBBS है, एलोपैथी है, उसी तरीके से इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसी तरीके से वकालत है, उसी तरीके से ICW है, उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई है। तो किताबें द्वारा हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है, हर तरह की पढ़ाई के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं, कोर्सेज बनाए गए हैं, उनके करिकुलम तैयार किए गए हैं, उन विषयों के एक्सपर्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान रख के सभी प्रकार के कोर्सेज के करिकुलम तैयार किए हैं, सिलेबस तैयार किए हैं, उसके अनुसार ही सभी कोर्सेज में पढ़ाई की कराई जाती है। वही परिस्थिति आर्किटेक्चर में है, यानी वास्तुकला में। तो कोई व्यक्ति वास्तु की दो चार किताबें पढ़ के अपने आप को वास्तुशास्त्री घोषित करता है, तो मेरी दृष्टि में ये आर्किटेक्ट का उल्लंघन है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि वास्तुकार शब्द यानी टाइटल शब्द अगर आर्किटेक्ट में प्रोटेक्टेड है, तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट शब्द भी
आर्टिस्ट एक्ट में प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड है, यानी उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो अंग्रेजी के अगर आर्टिस्ट शब्द का मिसयूज नहीं किया जा सकता, तो हिंदी के वास्तुकार शब्द का भी मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको कोई कहता है कि वो वास्तु एक्सपर्ट है, वास्तुशास्त्री है, वास्तु पंडित है, वास्तुकार है, तो एक दफे आप उससे सवाल पूछिए कि उसने वास्तु की तथाकथित डिग्री या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कौन से मान्यता प्राप्त सरकारी शिक्षण संस्थान से प्राप्त किया है। अगर उसके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो उसकी शैक्षिक योग्यताओं को प्रमाणित कर रहा हो, तो वह व्यक्ति फर्जी है। हर विषय की सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, अपना इलाज करने के लिए होम्योपैथी की सैकड़ों किताबें हैं, एलोपैथी की बहुत सारी किताबें हैं, यूनानी की आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें हैं, जो व्यक्ति को बताती हैं कि छोटी मोटी बीमारियों में, छोटी मोटी कठिनाइयों में आप किस तरीके से कौन सी दवाई खाकर बगैर डॉक्टर के पास जाए तुरंत अपने आप को लाभ पहुंचा सकते हो। लेकिन कोई भी पुस्तक डॉक्टर का विकल्प नहीं बन सकती, कोई भी पुस्तक इंजीनियर का विकल्प नहीं बन सकती, कोई भी पुस्तक वकालत का विकल्प नहीं बन सकती, कोई भी पुस्तक आर्किटेक्चर का विकल्प नहीं बन सकती। हमने और अन्य लेखकों ने तरह तरह के विषयों पर ढेरों पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन किसी पुस्तक का उद्देश्य एक विकल्प खड़ा करना नहीं होता। पुस्तक उस विषय का ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदान करने के लिए ये पुस्तकें तैयार की जाती हैं। और चार पुस्तकें, 40 पुस्तकें पढ़ के कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो वास्तुशास्त्री हो गया या वास्तु पंडित हो गया या वास्तुकार हो गया। सेल्फ हेल्प की बुक्स आपका बहुत सीमित दृष्टि से मार्गदर्शन करती हैं। सेल्फ हेल्प की बुक्स का अर्थ ये नहीं होता कि आप उन किताबों को पढ़ के अपने आप को डॉक्टर घोषित कर दो, या आर्किटेक्ट घोषित कर दो, या वास्तुशास्त्री घोषित कर दो, या इंजीनियर घोषित कर दो। देश में जगह जगह फर्जी लोगों की धरपकड़ की जा रही है, बहुत सारी अदालतों में फर्जी वकील घूमे पकड़े जा रहे हैं। कोई भी काला कोट पहन के अदालतों में घुस जाता है, और बहुत सी अदालतें इस मामले में सख्त हो गई हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, अब तो यहाँ तक हो गया है कि किसी व्यक्ति को काला कोट पहन के अदालत में घूमता पाया गया और उसके पास बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देशभर में झोला छाप डॉक्टर भरे पड़े हैं, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, गाँव में इनकी भरमार है। 10-15-20 दवाइयों के नाम उनको पता हैं, साधारण बीमारियों का उनको मालूम है कि अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो, वोमिटिंग या लूज मोशन है तो फलानी दवाई दे दो, और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इनके पास, अनजान लोग इनके पास पहुंच जाते हैं क्योंकि कुछ दवाइयां कॉमन हैं, ये ठीक भी हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि ये पड़ोस के डॉक्टर साहब के पास गया था, मैं ठीक हो गया। भवन निर्माण के क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, भवन की सुरक्षा, भवन में किस तरीके से हवा का आवागमन होगा, किस तरीके से लोगों का आवागमन होगा, किस तरीके से उसकी संरचना की मजबूती प्रदान की जाएगी, ऐसी ढेर सारी, बहुत सारी चीज़ों का उसमें समावेश रहता है। तो किसी वास्तु पंडित या वास्तु शास्त्री के कहने पर कमरे को उत्तर से दक्षिण में मत पहुंचाएं, दक्षिण से पश्चिम में मत पहुंचाएं, टॉयलेट या किचन की दिशा को मत बदलें, ये सारा जिम्मा अपने आर्किटेक्ट के पास छोड़ दीजिए। एक शिक्षा प्राप्त आर्किटेक्ट के पास या शिक्षा प्राप्त इंजीनियर के पास भी आप अगर जाएंगे तो आपको एक वास्तु पंडित या वास्तु शास्त्री से बेहतर सलाह मिलेगी। सिर्फ क्वालिफाइड लोगों के पास जाइए, पोंगा पंडितों से अपनी
जान बचाइए। शुभकामनाएं, नमस्कार।